Yes, next question देखते देखिए क्या है. Three question related है. अच्छा question है. Read the following information answer. Fx equal to दिया है gx plus hx. ठीक है. Gx है sin x by 4. Hx है cos 4x by 5. Then, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पीरियड ऑफ जी एक्स. इसका पीरियड क्या होगा. पीरियड होता है 2 पाई अपॉन x का कोफिशिएंट, ऑब्वियसली 8 पाई. पीरियड ऑफ cos 2 पाई अपॉन 4 बाय 5, यानी ये 2 टाइम कैंसिल, तो 5 बाय 2 पाई. ये इसका पीरियड, ये इसका पीरियड. पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द पीरियड ऑफ जी एक्स, तो आपका आंसर है 8 पाई. व्हाट इज द पीरियड ऑफ एच एक्स, तो आपने बोला 5 बाय 2 पाई. फिर थर्ड है व्हाट इज द पीरियड ऑफ एफ एक्स, तो आपको मैंने बताया था जब दो फंक्शन हो तो 8 पाई अपॉन 1, 5 पाई अपॉन 2, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 40 पाई अपॉन एचसीएम. तो आंसर इज 40 पाई. तीन क्वेश्चन एक सिंगल स्टेप में सॉल्व होगा. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए क्या. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व वाई इक्वल टू 1 अपॉन 2x square minus c, where c is an arbitrary constant. तो इसमें काम करते हैं, इसको क्यों ना ऐसा बना ले 2x square minus c equal to 1 upon y. तो या अब इसका differentiation करें तो 4x equal to minus 1 upon y square dy by dx, तो dy by dx आ गया minus 4x y square. D is a right answer, directly आ गया, D is a राइट आंसर. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते देखिए. फिर थ्री क्वेश्चन रिलेटेड है. अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला. रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर थ्री आइटम्स. अगर वाई इक्वल टू एम ई पावर एम एक्स वेयर एम ग्रेटर देन जीरो इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट द पॉइंट बी. एक तरह से ये ऐसा कर्व है, समझिएगा, एक्सपोनेंशियल कर्व है, एक्सपोनेंशियल कर रहा है, पी पर मीट कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक्स जीरो होगा, तो एक्स के जगह जीरो रख दो तो वाई एम आ गया. अब क्या बोला, देखिए, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट पॉइंट पी. पहला क्वेश्चन इसका है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी. तो स्लोप पूछा है तो सीधा सीधा डी वाई बाई डी एक्स एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स, एम की एक्स की जगह जीरो रख दिया तो एम स्क्वायर. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ एम स्क्वायर. सेकेंड क्वेश्चन है, ये इसकी टेंजेंट होगी. सेकेंड क्वेश्चन है How much angle does the tangent at P make y axis? अभी जो आपने एंगल बताया है वो x एक्सिस के साथ बताया है, y के साथ पूछा, यानी 90 माइनस थीटा. देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या है m स्क्वायर, तो थीटा इक्वल टू एक तरह से tan इनवर्स m स्क्वायर है. ये x एक्सिस के साथ है, y एक्सिस के साथ मतलब 90 माइनस थीटा. अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, तो पाई बाई टू माइनस tan इनवर्स m स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स m स्क्वायर, क्योंकि आपने पढ़ा है tan inverse theta plus cot inverse theta equal to pi by 2. अब आप एक राइट एंगल बना लीजिए, तो ये हो गया m square, ये हो गया 1, तो 1 plus m power 4, तो ये हो जाएगा sin inverse 1 upon root 1 plus m power 4, तो इसका करेक्ट आंसर होगा c. फिर उसके बाद इसी का थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट p. इसकी इक्वेशन पूछिए तो y minus y1 equal to m into x minus x1, यानी y इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस एम. दिस इज द राइट आंसर, यानी d इज अ राइट आंसर. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन.